constructive superposition. Two waves are said to be interfering constructively when the two meet in phase. Phase मतलब they have the same angle. Okay. दोनों का जब इसका क्रेस्ट आया इसका भी क्रेस्ट है, ठीक है. तो क्रेस्ट से क्रेस्ट कब मिलेगा, जब फेज डिफरेंस या तो जीरो का होगा या फेज डिफरेंस टू पाई का होगा या फेज डिफरेंस फोर पाई का होगा. वेव पूरी होके वहां पे आ रही है, बीच में किसी स्टेज पे नहीं आ रही है, पूरी कंप्लीट वेव्स वहां पे मीट हो रही है, तब ये चीज होगी. ठीक है. अब एंड बोथ दी फेजेस आर बोथ दी वेव्स आर इन फेज, तो हम क्या बोलते हैं, द एंगल फाई इज आइदर जीरो और प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस फोर पाई एंड सो ऑन. एंगल जब टू पाई के मल्टीपल में हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, ठीक है, तब तब ये सुपरपोजिशन होगा. तो कॉस ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ टू पाई, कॉस ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ टू पाई विल ऑलवेज बी वन. ठीक है. तो फॉर ऑल दीज एंगल्स दिस एक्सप्रेशन ए विल बिकम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी अंडर द रूट विच इज ए प्लस बी होल स्क्वेयर और ए प्लस बी. सो व्हेन द टू वेव्स आर मीटिंग कंस्ट्रक्टिवली और व्हेन द टू वेव्स आर मीटिंग इन फेज, दे विल ऑलवेज ऑलवेज रिजल्ट इन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए प्लस बी. And if A and B both are same, then this will become 2A. ठीक है. So this is called constructive superposition. This is called constructive superposition.